आप लोगों ने गद्दारी की है, आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं। ये सरकार गर्व से बोलती है कि हमारी सरकार तो बुलडोजर की सरकार, ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग, बेइज्जती का टैग है। इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है साथियों। इस बार ये वोट मांगने आए तो इनको वही खाली कटोरा थमा के वापस, कहां से बनेगा अखंड भारत? जब आप अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सके। आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं। अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते साथियों, न सुरक्षा दे पाए, न शिक्षा दे पाए, न रोजगार दे पाए, जिन लोगों के सर पे छत थी वो भी छीन ली। ये सरकार गर्व से बोलती है कि हमारी सरकार तो बुलडोजर की सरकार है। हमारी जनता ने, हमारी भोली जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं डाला था, इसलिए आपको वोट नहीं डाला था कि आप हमारे घर उखाड़ दें, अपनी बुलडोजर हमारे लोगों की छत उखाड़ने का इस्तेमाल करें। साथियों, अगर ये लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि ये एक बेइज्जती का टैग है, बुलडोजर की सरकार एक बेइज्जती का टैग है, तो इनको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप लोगों को इनसे सिर्फ सवाल करने हैं, और अगली बार ये आप लोगों के बीच में आए, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आप इनके साथ करेंगे। इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है साथियों। इस बार ये वोट मांगने आए तो इनको वही खाली कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। इन्होंने आपको पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया। इनकी अब मानववादी सोच सोचिए, इनकी प्लानिंग समझिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन कहां से मिलेगी? साथियों, इन्होंने आपके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है। अगर ये पार्लियामेंट में आपका संविधान नहीं बदल सकते तो ये इस तरीके से आपका भविष्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते।